नमस्कार, मैं हूं आशुतोष पाठक। आज नोएडा में दोबारा हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। आज हमारे साथ वैसे पीछे में कर्नल विजयनाथ झा भी मुझे मिल गए हैं, मार्केट में ये पकड़ा गए हैं बल्कि। तो अभी हम इनसे बात करेंगे, हम पूछने के लिए आए हैं, लोगों से बात करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। देश में बड़ी चर्चा हो रही है, बेरोजगारी बहुत अधिक है और ये बहुत ही सीरियस इशू है। राजनीति में ये कितना दखल देगा ये कार्यक्रम, इस पर आज बात करेंगे। झा साहब, ये इस मार्केट में अभी हम देख रहे हैं पूरा का पूरा सूना दिख रहा है। अभी हम जाएंगे, अभी मैं रेमंड के शोरूम में था और हमारे बाईं तरफ है रेमंड का शोरूम थोड़ी दूरी पे, तो वहां से अभी मैं आया तो उसमें तो भीड़ थी, लेकिन अभी लोगों से हम बात करेंगे क्या है बेरोजगारी की स्थिति क्या है। आप तो बहुत ही अंधभक्त हैं मोदी जी के, आपको तो कहेंगे कि भाई बहुत बढ़िया मामला चल रहा है, रोजगार सब लोगों को मिल रहा है, और हम खामखा ये सवाल पूछने के लिए उतरे हैं, क्या ऐसा है क्या? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। जहाँ तक मोदी भक्त है, भक्त का व्याख्या करना पड़ेगा आपको। जो कोई अच्छा काम करेगा भक्त उसे मिल जाएगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा भक्त उसे नहीं मिलेगा। तो भक्त का व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण होता है। 29% है सर, 20 से 25 वर्ष के आयु के जो युवा हैं उसमें जो ग्रेजुएट हैं उसकी जो बेरोजगारी की दर है वो 29% है सर, छोटा आंकड़ा नहीं है ये। और आप उसको कह रहे हैं कि भक्त की व्याख्या करना पड़ेगा, मुझे उत्तर मालूम है इसलिए मैंने आपसे पूछा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट का काम एम्प्लॉयमेंट देना नहीं है। आपको ताज्जुब होगा मेरा ये जवाब सुनकर। सरकार का काम है ऐसा व्यवस्था निर्माण करना जिससे कि रोजगार उत्पन्न होना होगा, उद्यमी तैयार करना। अब सरकारी नौकरी कितने को दे सकता है? मेरे घर में मेड है, 30-35 हज़ार रुपये कमाती है, वो बेरोजगार है या रोजगार में जाती है? लेकिन सरकार के नज़रों में वो बेरोजगार है। जी, ये उनसे साहब मुस्कुरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सरकार का काम रोजगार देना नहीं है। ये वैसे कर्नल थे, अभी रिटायर कर गए हैं, तो ये तो सरकारी में डिफेंस में इतने बड़े पद पर थे, इनको सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। अब ये कह रहे हैं कि इनकी जो मेड है वो 35 हज़ार रुपये महीना कमाती है। हम यहाँ घूम रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, तो बहुत सारी अभी प्रतिक्रिया आनी है। वैसे 29% बेरोजगारी की दर है, आप कुछ कहेंगे इसके ऊपर? सर, मुझे तो कोई नॉलेज नहीं इसके बारे में ज्यादा। तो सरकार का काम है क्या लोगों को रोजगार देना? ये कह रहे नहीं है काम सरकार का। नहीं, सरकार का काम क्या है, अपने आप खुद करो। सरकार की जरूरत नहीं है? सरकार की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ जी, सरकार की जरूरत नहीं, मेहनत करो, कमाओ खाओ। तो तुम सुट्टा लगा रहे थे यार, फेंक दिए तुम? तुम तो सुट्टा लगा रहे थे, क्या उम्र है तुम्हारी? मेरा वही 22-23 वर्ष है। 22-23 वर्ष है, तो तुमको तो रोजगार मिला हुआ है क्योंकि तुम देख रहे थे कि तुम बढ़िया से सुट्टा लगा रहे थे। नहीं, कभी कभी। कभी कभी लगाते हो? कहाँ के रहने वाले हो? नेपाल का। नेपाल के रहने वाले हो, तो चलो, तब तो तुम हमारे देश का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हो, लेकिन तुमको तो रोजगार मिला हुआ है। तुमको तो रोजगार मिल रहा, क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये मोमो का दुकान लगा। मोमो का दुकान लगाया, चलो इनको तो आपको रोजगार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।